नमस्ते दोस्तों, फिर से मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए मैंने इसको क्या किया था, इसका जो थंडरिंग हुआ था, थंडर की वजह से हमारा पास सप्लाई ख़राब हो चुका था, एसटीआर नहीं मिल रहा था, तो फिर मैंने इसमें 29 पास वाला जो मॉड्यूल होता है ये इंस्टॉल कर दिया। देख सकते हैं आप, ये सिरा देख सकते हैं, देखिए अब वोल्टेज भी चेक करके दिखा रहा हूँ अभी। देखिए पार्टिकल सप्लाई कौन सी, आप सिर्फ मेरे मीटर के स्विच को देखिए और मीटर पे नज़र रखिए कहाँ कहाँ पे वोल्टेज कितना है अभी दिखा रहा हूँ। कृपया आप वोल्टेज को, अगर मैं वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर दिया आप लोगों को देखने में थोड़ा दिक्कत हो सकता है। अगर दिक्कत वोल्टेज जहाँ पे आपका ज़रूरत होगी तो आप वीडियो को थोड़ा रुक के देख सकते हैं और वोल्टेज भी देख सकते हैं। देखिए अभी हमारा आईसी में भी वोल्टेज है ठीक, मेमोरी में भी वोल्टेज ठीक आ रहा है। देखिए हमारा मेमोरी अब मेज़र कर रहा हूँ और देखिए हमारा ट्यूनर में कितना वोल्टेज आ रहा है। देखिए ट्यूनर में भी वोल्टेज सही आ रहा है, 5 वोल्ट के जैसा आ रहा है। अभी देखना है हमारे ड्राइवर में कितना वोल्टेज आता है। देखिए ड्राइवर से जो पावर सप्लाई से लाइन आता है, देखिए ड्राइवर में 20 वोल्ट तक आ रहा है लगभग, और हमारा ओसिलेशन दी गई, ओसिलेशन में 3.36 वोल्ट आ रहा है, मतलब कि हमारा ओसिलेशन भी सही है, हमारा एसटी भी हो रहा है। लेकिन इसका प्रॉब्लम देख सकते हैं आप थोड़े देर बाद। देखिए हमारा 180 भी सही है अभी, और हमारा जो एबीएल का लाइन है देखिए ये जंपिंग कर रहा है, स्टेबल नहीं हो रहा है। और देखिए हमारा एनालॉग में अभी दिखा रहा हूँ, एनालॉग में देखिए आपको देखने में दिखाने में आसानी होगी इसलिए एनालॉग यूज़ किया। देखिए हमारा मीटर का स्विच है ये कपड़ा है, अभी देखिए इसका फॉल्ट देख सके आप, ये जो हमारा रास्टर है ये स्टेबल नहीं हो रहा है, कांपता रहता है। और देखिए अभी जो हमारा आईसी है, आईसी की जो वोल्टेजेस है ये मेज़र करके आपको दिखा रहा हूँ। मैं वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा दिया, ज़्यादा टाइम ना लगे इसलिए देख सकते हैं आप। और अगर आपका जो आईसी का वोल्टेज ज़रूर खाता वगैरह में लिखे रखिए, जो स्पीड में होगा तो आप लिखने में ज़रा दिक्कत होगी, तो फिर वीडियो को थोड़ा रुक रुक के आप वोल्टेज को मेजर करके, जो मेज़र कर रहा हूँ इसके जैसा अब नंबर वाइज इसको रख लीजिए, नोट खाते में नोट करके आपको आसानी हो जाएगी। देख सकते हैं आप कितना वोल्टेज आ रहा है अभी, जो हमारा सेट चल रहा है लेकिन ये वोल्टेज जो है, ये जो हमारा रास्ता है ये नाच रहा है, मतलब जंपिंग कर रहा है। देखिए मैंने अभी देखिए अभी पिक्चर आ चुका है, अभी जंप भी नहीं कर रहा है हमारा जो पिक्चर आ रहा है। देखिए अभी क्या किया मैंने, उसका जो 9 7GG9 जो आईसी है ये इसको रिप्लेस कर दिया और हमारा सेट ठीक हो चुका है। और अभी दिखा देंगे कि आफ्टर आईसी चेंज करने के बाद, आईसी चेंज करने के बाद देखिए हमारा वोल्टेज कितना आ रहा है हमारा आज की हर पिन में। और दो पहला वाला जो आईसी था इसमें कैसा वोल्टेज आ रहा है, अभी वाला जो नया आईसी लगा है इसमें कितना वोल्टेज आ रहा है, ये दोनों को आप कंपेयर करने से ही आपका फॉल्ट जो आसानी से निकल जाएगा। और दोस्तों ये जो आईसी का वोल्टेज है ये ज़रूर खाते में लिख लीजिएगा, चाइने का कोई की पिकिट हो आप इस वोल्टेज से ही आप पूरी तरह से जान सकते हैं। इसको चार वोल्टेज लिख लेंगे तो सब कुछ आसानी हो जाएगा काम करने में, कोई भी फॉल्ट हो आप आसानी से निकल सकते हैं। देखिए अभी आईसी चेंज करने के बाद हमारा जो सेट भी चल रहा है, और देखिए अभी एबीएल में कितना आ रहा है देख सकते हैं आप, मतलब रेजिस्टेंस के बाद अभी देखिए, और रेजिस्टेंस के बाद हमारा वोल्टेज थोड़ा लो हो गया। और देखिए इधर से जाके हमारा जो आई वी एल का लाइन देखिए, और दोस्तों ये 180 भी ठीक आ चुका है, 190 जैसे आ रहा है। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, आने वाला का वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए आप उसका जो बेल है इसको भी प्रेस कर देना, क्योंकि सबसे पहले मैं वीडियो जब डालूँगा सबसे पहले ये नोटिफिकेशन आपको मिले। देखिए दोस्तों आप
लोगों को दिखाने के लिए बहुत मेहनत से वीडियो रेडी किया हूँ आपके लिए। मैंने पूरा क्लियरली दिखाया, उसमें कोशिश किया, दिखाया नहीं। अगर आप लोग देख के कुछ जान पाए तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद सही हो जाएगा, ठीक होगा। मतलब देखिए, अभी हमारा लास्ट में देखो, जो हमारा डायोड जो रहता है, जेनर डायोड, यहाँ पे देखिए एनोड में कितना आ रहा है और कैथोड में कितना आ रहा है। और हमारा देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस होने के बाद हमारा आईसी की पिन में कितना वोल्टेज आ रहा है, देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट।